जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव के सपनों का कोई अंत नहीं। ठीक उसी पर आधारित है यह हमारी छोटी सी कहानी काल्पनिक स्कूल। इन्हें देखिए, यह है मार्गी, जो अपने पढ़ाई से व काम से बहुत ही परेशान रहती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। मार्गी, तुम बातें कर लो, काम पूरा करती नहीं हो और बस कल्पना करती रहती हो। कल सबसे पहले मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी, समझी? ये। घर आकर अपना सारा काम समाप्त करके अपने कमरे में होमवर्क करने बैठ जाती है। होमवर्क करने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह उठकर वह अपने टॉमी के साथ सैर पर जाती है। कम ऑन टॉमी। हाँ मार्गी, चलो सैर पर चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रहा है। टॉमी, तुम बोल सकते हो? हाँ मार्गी, मैं बोल सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अच्छा चलो जल्दी चलो। आकर वह फ्रेश होने चली जाती है। मशीन द्वारा मार्गी अपनी कंघी करती है। तैयार होने के बाद नाश्ता लेने चली जाती है। वहाँ एक बटन दबाती है, कुछ दोस्त उसके सामने आ जाते हैं और लेकर पास के टेबल पर जाकर वह नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद अपने स्टडी रूम से बैग उठाती है और टाइम मशीन में बैठकर स्कूल को रवाना हो जाती है। स्कूल तक पहुंच जाती है। आहा, आज मैं टाइम मशीन से तो पहुंच गई, क्लासरूम में बैठकर मार्गी सोचते हुए। अरे वाह, कॉपी पेन के झंझट से छुटकारा मिल गया, अब तो मिनटों में कंप्यूटर द्वारा काम हो जाता है। तभी अचानक से कंप्यूटर पर गलत बटन दब जाता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है। मार्गी घबरा जाती है और रोने लग जाती है। तभी रॉबर्ट टीचर प्रवेश करते हुए कहते हैं, अरे मार्गी, तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझसे कंप्यूटर पर गलती हो गई है जिससे वह खराब हो गया है, पर आप कौन है? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, रॉबर्ट टीचर। ओह, आंसू पोंछते हुए, आप मेरे रॉबर्ट टीचर हैं? तो बताइए ना, मुझसे क्या गलती हुई है? गलती नहीं हुई, कंप्यूटर बस बंद हो गया है। घबराओ मत मार्गी, ध्यान से काम करो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम करो मार्गी। थैंक यू रॉबर्ट टीचर। कुछ ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मार्गी फिर वापस घर टाइम मशीन द्वारा चली जाती है। घर पहुंचने पर अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती है। मशीन से दो हाथ आते हैं और मार्गी के कपड़े चेंज कराते हैं और शाम को वह अपने रॉबर्ट दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। और चारों तरफ रॉबर्ट सोते हैं और इन्हीं के बीच में मार्गी होती है। पहला रॉबर्ट, मार्गी बॉल दो। दूसरा, मार्गी बोल रही बॉल। और सब बहुत मस्ती में खेलते हैं, मार्गी भी बहुत खुश होती है। तभी अचानक मार्गी की दीदी की आवाज आती है, मार्गी उठो, 6 बज गए हैं, उठना नहीं है क्या मार्गी? हाँ हाँ दीदी, रॉबर्ट्स कहाँ है और वो मेरा टाइम मशीन, दीदी बताओ ना। ओ मार्गी, ये क्या बोल रही हो, तुम जरूर जरूर सपना देख रही होगी। चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ।